खाते हैं। मेरे हाथ खराब करने की इच्छा पहले अब एक ही है अपनी मेहंदी दिखा, अपनी मेहंदी दिखा, पीछे से फटी नहीं है। चाइना की मेहंदी दो नंबर, चाइना की दो नंबर मेहंदी दिखा, चाइना की मेहंदी, चाइना की दो नंबर मेहंदी बिल्कुल खत्म हो गई है। दो हाथों में लग के एक हाथ भी पूरा ही लगा। इतनी सारी पड़ी है लेकिन निकलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ईद व्लॉग। हम लोग बच्चों को लेकर ईद वाले दिन शॉपिंग करवाने के लिए गए थे। जब उन्हें ईदी मिल जाती है तो उन्हें ईदी खर्च भी करनी होती है। मेरी फ्रेंड के बच्चे भी आए हुए थे तो हम उनको लेकर ईद की शॉपिंग करवाने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। लेट्स स्टार्ट इट, देखते हैं कि बच्चों ने क्या लिया और हमने कितना इंजॉय किया। चलें फिर शुरू करते हैं। हम लोग ये मॉल में एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ये फेमस मॉल है। यहाँ से हम लोग मोस्टली वेजिटेबल्स वगैरह सब यहीं से लेते हैं। ये वेजिटेबल एरिया है, यहाँ पे जो है ये मेरी फेवरेट वेजिटेबल है और इसकी यहाँ चाइना में ये बहुत बनाई जाती है, तो मैं इंशाल्लाह कभी आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये फ्रूट एरिया है, ये आप देख रहे हैं इनकी जो प्राइस टैग्स हैं, ये हाफ़ के जी की प्राइस होती है। चाइना में हाफ़ के जी की प्राइस बताई जाती है, यानी 500 ग्राम की। तो इसको यहाँ पे ईचिन कहा जाता है, यानी कि वन चिन, वन हाफ़ के जी। तो यहाँ पे यही हिसाब चलता है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जो है स्वीट्स एरिया है, बच्चों ने कैंडीज़ वगैरह स्वीट्स लेनी थी तो इस वजह से हम लोग उनको लेकर ऊपर चले गए। बच्चे आप देख रहे हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ने जूस वगैरह लेने थे तो ये पहले जूस एरिया में आ गए। ये फाइज अपनी फेवरेट जूस ले रहा है। ये पांचों जो है ना स्कूल जाते हैं और ये चाइनीज़ बोलते हैं आपस में, तो जब ये इकट्ठे होते हैं पांचों तो ये मोस्टली चाइनीज़ में बातें करते हैं। पहले तो हमें बहुत ऑकवर्ड लगता था कि हम, मतलब हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था, बच्चों को हम बहुत मना करते थे कि आप आपस में चाइनीज़ मत बोलो, लेकिन ये इतना फ्लुएंट बोलते हैं और आपस में इतने कंफर्टेबल होते हैं जब ये चाइनीज़ में बातें करते हैं, तो इस वजह से अब हम बॉदर नहीं करते, इनको इतना ज़्यादा मना नहीं करते हैं। तो ये जब ख़ास तौर पर जब कोमल और उसकी फ्रेंड इकट्ठे होते हैं तो ये मोस्टली चाइनीज़ में ही बातें कर रहे होते हैं। आप कोमल को देख रहे हैं कितना इंजॉय करिए। ये यहाँ से बाहर बड़ा प्यारा व्यू आता है, ये यहाँ पे बाहर बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ हमारे बच्चे बैठ जाते हैं। ये देखिए सब लोगों ने मास्क लगाए हुए, और चाइना में मोस्टली लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे बच्चे भी मास्क लगा के गए हुए, फाइज और उसके फ्रेंड्स। माशाल्लाह फाइज बड़ा सेंसेबल है, ये बहुत अच्छा इन दोनों को टैकल कर लेता है। ये कोमल और उसकी फ्रेंड, खूब इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ये जो है यहाँ पे ये हनी एरिया, ये हनी है। यहाँ पे हनी रॉ ज़्यादा यूज़ की जाती है, रॉ हनी यूज़ होता है। सिंपल हनी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैंने कम ही देखा यहाँ पे, यहाँ पे ये रॉ हनी इस्तेमाल होता है। अब ये बच्चे अपनी अपनी बास्केट्स लेके शॉपिंग करने जा रहे हैं।
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 500 ग्राम की ईच इन के हिसाब से चलती है चीज़। अब यहाँ पे जितनी भी प्राइसेस लगी हुई हैं वो सब की सब हाफ के जी यानी 500 ग्राम की लगी हुई होंगी। चाहे आप एक टॉफ़ी ले लो, चाहे आप चार टॉफ़ीज़ ले लो, जितनी आप लेना चाहते हैं आप ले लें। उनके वज़न के हिसाब से उनके पैसे हैं। ये चॉकलेट्स कॉइन्स हम कोशिश करते हैं कि बच्चे हेल्दी फूड खाएं। ये जो हैं ये मिल्की स्वीट्स हैं और मिल्की बार्स हैं, हम ये ज़्यादा लेके देते हैं और हमारे बच्चे लेते भी ज़्यादा यही हैं। एक तो हलाल हराम का भी हो जाता है ये वाली चीज़ें, क्योंकि पता होता है प्रोडक्ट्स, बच्चे चाइनीज़ पढ़ लेते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ हलाल चीज़ों से बनी हुई है, ये वही लेते हैं। और ये तकरीबन जो भी चीज़ें हैं सब की सब मिल्की होंगी, जेलेटिन वगैरह हम लोग इतना नहीं लेते, बच्चों को पता है वो खुद से पढ़ लेते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन कौन सी, हम हमेशा यही वाली चीज़ें लेते हैं, इनको पता है, बच्चे यही चीज़ लेते हैं। फायद अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा है चीज़ें लेने में। चॉकलेट्स वगैरह कैंडीज़ हर किस्म की चीज़ें ऐसे ही पड़ी भी होती हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं और बाद में जाके इनका वेट करवा के और टैग लगवा लेंगे और पेमेंट करनी होगी तो वो जाके काउंटर पे पेमेंट हो जाएगी। अच्छा ये देखें, ये जो डक वगैरह के ये पाँव होते हैं ना, ये वो हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी ये कोई वो है मीट है, ये तो मोस्टली हराम ही होती हैं चीज़ें। ये फिश है, ये रेडी टू ईट थी चीज़ें तीनों। अब यहाँ पे बच्चे वो ले रहे हैं चिप्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन क्योंकि इनके थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन चल रहा था तो फिर इन्होंने चिप्स नहीं लिए। ये नुमैर मुस्तकिल फाइज के करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतनी इन्होंने बास्केट्स पकड़ी हुई है कि नुमैर से आया नहीं जा रहा। ये यहाँ पे प्ले एरिया है, हम लोग जब भी जाते हैं यहाँ बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोरोना वायरस था तो हम लोगों ने बच्चों को एंटर होने नहीं दिया वहाँ पे। कुछ दूसरे बच्चे चाइनीज़ बच्चे दो तीन खेल तो रहे थे लेकिन हमने जाने नहीं दिया। एक तो बच्चों को वापस निकालना मुश्किल हो जाता है और दूसरा ये कि टाइम भी कम था हमारे पास, और कोरोना वायरस की वजह से भी हमने थोड़ा सा अवॉइड किया कि बच्चे अंदर ना जाएं। वहीं पे प्ले एरिया, यहाँ भी बच्चे बहुत जाते थे, ये सीड्स से रखे हुए हैं और वहाँ बच्चे बहुत खेलते हैं। हमारे बच्चे घुस जाते हैं फिर बस निकलते नहीं है ना यहाँ से, इस दफ़ा तो फिर हमने जाने नहीं दिए। अब ये सब बच्चे जो है ना अपनी चीज़ों की वेट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं।
ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी सब उसी तरह से वेट करके मिलेंगे, हाफ के जी का प्राइस लगी हुई है। अच्छा ये जो है ना, ये मैंगोस हैं आई थिंक, ये ड्राई किए हुए होते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। पाइनएप्पल्स, मैंगो, ये मैंगो हैं, पहले पाइनएप्पल थे, मैंगोस, पाइनएप्पल्स और इस तरह के तकरीबन सब फ्रूट आपको यहाँ ड्राई फॉर्म में मिलते हैं और वो बहुत हमें बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है खा के। अब बच्चों को कुछ और याद आ गया लेना, अब और कैंडीज लेने के लिए चले गए, अब ये वेट करवा रहे हैं। जो जो चीज़ें उन्होंने ली थी उसका लैदा लैदा से वेट हुआ और टोटल उन्होंने जितनी प्राइस बनी वो सब की सब उसके ऊपर टैग लगा दिया, काउंटर पे जाके इसकी इकट्ठी पेमेंट हो जाएगी। बच्चे जितनी चीज़ें मर्जी ले लें, जो फ्री चीज़ का मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। ये उसने कोई फ्री चीज़ इन्हें दी है और वो इतने खुश हुए हैं ना लेके। ये यूटेंसिल्स एरिया था, यहाँ पे हमने कोई एक दो चीज़ें देखनी थी, वो देखने के लिए ना उधर उस तरफ चले गए थे हम लोग। लिया तो हमने यहाँ से कुछ नहीं, लेकिन यहाँ तकरीबन सब कुछ मिलता है, बॉटल्स वगैरह देखनी थी। अब हम वहाँ से नीचे आ गए, ये देखिए ये जो है ना, ये है सी फूड एरिया, यहाँ पे सी शेल्स भी मिलते हैं, ये चाइनीज़ लोग खाते हैं, और ये फिश है, इस बैक हुई भी, ये स्नैक है, ये वाला स्नैक है, यहाँ तो लोग खाते हैं तो हम तो बस दूर से देखते हैं इन चीज़ों को। ये भी फिश की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फिश एग्स और पता नहीं क्या क्या कुछ है, ये तो सब कुछ खा जाते हैं। और ये स्नैक्स हैं ऊपर वाले, नीचे फ्रॉग्स हैं, ये सब सेल होता है यहाँ पे। ये स्कॉर्पियोज हैं, ये भी लोग खाते हैं यहाँ पे बहुत शौक से, ये भी फिश की कोई दो किस्में हैं। यहाँ से ये देखिए, ये नूडल्स और सॉसेजेस वगैरह, ये सब कुछ है यहाँ पे, ये सॉसेजेस हैं, और ये ग्रीन टी है। और यहाँ से मैं ऑल पर्पस मैदा लिया करती थी, अब तो वो मिल ही नहीं रहा आजकल, तो बस ये हम वही देखने के लिए गए थे, नहीं मिला वो वाला तो फिर बस हम बाहर आ गए। ये हम बिल करवा रहे हैं। ये अब हमने बिल करवा लिया, बच्चे बाहर आ गए। ये बाहर ये देखें, यहाँ भी ये स्कार्फ्स वगैरह सब मिलता है। अच्छा ये बाहर ना वहाँ पे एक सेल लगी हुई थी, उधर से 1 yuan की ये 3 चीज़ें मिल रही थी, और इस तरह से ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रही थी चीज़ें, तो बच्चों ने यहाँ से और ढेर सारी शॉपिंग की। बच्चे देखें चाइनीज़ बोल रहे हैं और उसके साथ बिल्कुल चाइनीज़ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
नुमैर और उसका फ्रेंड आपस में गले मिल मिल के ईद मुबारक करें और यहाँ लोगों को देखें वो इनको कैसे देख रहे हैं। हमने की है अपनी ईद से ये वाली अभी खाई ये दोनों और ये उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।